कि माजिद बशीर साहब हैं ये अदाकारा नरगिस के मौजूदा खान हैं और अदाकारा नरगिस का स्कैंडल भी आपको याद होगा जो मुबैना तौर पर था और उसमें ये था कि आबिद बाससर ने अदाकारा नरगिस के बाल मूडे थे और उसके भूएँ साफ़ कर दी थी एक माह पहले वो कहता है जी कि मुझे आबिद बाससर ने धमकी दी कि तुम ये पैरवी छोड़ दो वहीं से फिर आबिद बाससर ने एक कांस्टेबल जो खालि गए हैं उनसे कलाशन गोफ सरकारी छीन ली और छीनने के बाद आबिद बाससर हवाई फायरिंग करते हुए भाग गया जो आबिद बाक्सर की बीवी है वो क्या कह रही हैं तो चादर और चादरीमारी का इन्होंने तकदस बिल्कुल पामाल नहीं किया ये सीआई ये करती भी नहीं है इसकी मैं गारंटी देता हूँ और फिर नाजरीन वो कह रहे हैं कि जी आ, इस पर बासर फरार हो गया और हमने फायरिंग नहीं की क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई बेगुनाह बंदा मारा जाए ओ भाई वहाँ इश्तिहारी तीन सौ दो का बैठा हुआ है इमरान साबिर वहाँ अंजुम शहजाद बैठा हुआ है कत्ल का मुलजिम इश्तिहारी अब नाजीन कहानी मज़े की जो तीन दिन पहले शुरू हुई इसके घर पर रेड किया गया और उससे पहले नाजीन एक मुकदमा दर्ज होता है जी आ, ये नौ मई दो हज़ार दस को एक कत्ल होता है और ये कत्ल होता है जी सी आई ए के एक ए एस आई हैं कामरान लियाकत तो उनका भाई जो था इमरान लियाकत और उसके साथ खालिद परवेज़ एक हेड कांस्टेबल मर्डर हो जाते हैं और उसमें नाम आता है जी वो हैं जी अदनान आ, और दानू और अंजुम शहजाद और खुरम यूसुफ़ जी अभी ये जो अदनान उर्फ दानू है ये भी शायद डेढ़ साल कबल दुबई से गिरफ़्तार हुआ और उसे कहा जाता है मुबैन तौर पर कि जी कामरान ही उसे लेके आया था गिरफ्तार करके उसे चालान अदालत किया गया अब कहा यह जाता है कि जी तेरह दस तेईस को धमकी दी गई जब ये जा रहा था आ, दस दस तेईस को सॉरी दस दस तेईस को जब कामरान एएसआई साहब जा रहे थे तो उसे अंजुम शहजाद वगैरह जो इस कत्ल के मुलजे में उन्होंने पिस्टल दिखाकर धमकी दी और उन्होंने कहा जी अगर तुमने इस केस की पैरवी ना छोड़ी तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा एक वकूवा हो जाता है दस दस तेईस को और नाजरीन दूसरा वकूवा होता है एक माह पहले वो कहता है जी कि मुझे आबिद बार ने धमकी दी कि तुम ये पैरवी छोड़ दो अब दो वकूवे हो गए एक होता है दस दस को और एक इससे एक माह पहले होता है और दोनों वकूवों को इकट्ठा करके एक पर्चा दे दिया गया आबिद बार पे और अंजुम शहजाद पे और ये मुकदमा था जी 506 बी और 25 टेलीग्राफ एक्ट अब 506 बी ये होता है जी 25 और के जी धमकी दी जाए किसी को असला दिखा के जान से मारने की और नाजरीन जो दूसरा है 25 टेलीग्राफ एक्ट ये है कि अगर आप फ़ोन पे किसी को किसी से बदतमीज़ी करते हो तो उसमें मुकदमा दर्ज होता है जी अब इसी के साथ नाजरीन तेरह तारीख को तेरह दस दो हज़ार तेईस को एक मुकदमा दर्ज होता है और उस मुकदमे के मुदई हैं सैयद वकास वकास साहब बुखारी जी इंस्पेक्टर ये इंस्पेक्टर हैं सी के और आ, ये भी तेरह को होता है आठ बज के चालीस मिनट पे उसी रोज़ और ये है कि जी मुखबिर ने इतलाह दी ये कहते हैं जी आ, बुखारी साहब कहते हैं कि उन्हें ये अब बाल टाउन में बैठे हुए थे और उन्हें मुखबिर ने इतला दी कि बदनाम जमाना जो इश्ति है उमरान साबिर और अंजुम शहबाश ये वही है जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है दस दस का वेरह को, को ही मुकदमा ये मुकदमा भी उसी दिन होता है कामरान वाला एस आई वाला थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें इसको जी और इसके बाद जनाब ये कहते हैं जी कि पुलिस मुलाजमी के नाम हैं और उन्होंने जाके वो कहते हैं कि मॉडल टाउन सिक्सटी थ्री के ये आबिद बा का घर है और वहाँ रेड करते हैं और रेड कर रहे तो उन्होंने फिर ये आबिद बागसर ऊपर टेरिस पे मौजूद था ये नीचे आ गया ये गुथम गुथा हो गया और वहाँ पे जो दो गनमैन थे इसके वो गिरफ़्तार कर लिए गए उन्होंने भी बड़ी फायरिंग की लोगों ने जो वहाँ इसके मुलाजमीन थे यानी जो खान सामा था जो कोई और थे जो को घर के काम करने वाले सब ने फायरिंग की और पुलिस के जो सौ से ज़्यादा जवान जिनका नाम एफ में है और वो घबरा गए और वहीं से फिर आबिद बाससर ने एक कांस्टेबल जो खालिक के हैं उनसे क्लाशिन गोफ सरकारी छीन ली और छीनने के बाद आबिद बाससर हवाई फायरिंग करते हुए भाग गया अब यहाँ दो बातें जो एफ में लिखी जाती हैं एक तो वो कहते हैं जी चादर और चार दीवार के तकदस को पामाल ना करते हुए ये घर में घुसे और ये तोड़ फोड़ की जी वीडियोज जो पीछे चल रही हैं और इसी से पहले मैं आपको उनकी बीवी का बयान भी सुना चुका हूँ जो आबिद बॉक्सर की बीवी है वो क्या कह रही हैं तो चादर और मारी का इन्होंने तकदस बिल्कुल पामाल नहीं किया ये सी आई ए करती भी नहीं है इसकी मैं गारंटी देता हूँ और फिर नाजरीन वो कह रहे हैं कि जी आ, इस पर बॉक्सर फ़रार हो गया और हमने फायरिंग नहीं की क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई बेगुनाह बंदा मारा जाए और भाई वहाँ इश्तहारी तीन सौ दो का बैठा हुआ है इमरान साबिर वहाँ अंजुम शहजाद बैठा हुआ है कतल का मुलजिम इस्टिहारी और आपने फायरिंग नहीं की और वो भी दोनों भाग गए या पता नहीं उन्हें नहीं देखा गया वो मौजूद थे या नहीं थे इसका एफ आई आर में जिक्र कहीं नहीं है कि जी क्या इमरान साबिर और वो भी वहाँ उन्होंने भी फायरिंग की लेकिन आबिद बागसर जो है वो अकेला सौ डेढ़ सौ बंदू से भाग गया ये ये तो है एफ़ आई आर की कहानी जो मैंने आपको सुना दी अब जो असल हक हैं नाजिन मैं वो भी आपको थोड़ा सा बता दूं जो मुख्तलिफ कॉर्नर से आए कुछ सहाफियों ने बताया कुछ पुलिस अफसरान ने बताया कि आबिद बार की किसी सीनियर सियासदान या पुलिस मुबैना तौर पर पुलिस अफिसर से कोई आ, हुई है ऐसी बात चपकलिश हुई बदकामी हुई और जिस पर फौरी तौर पर यह रिएक्शन हुआ और ये मुकदमा एक कहानी एक ये ये भी आ रही है कि क्योंकि अब हुकूमत निगरान है और शबाज़ शरीफ साहब की हुकूमत नहीं है तो इस इधर अगर उसको कुछ कर लिया जाए पकड़ लिया जाए और कुछ हो जाए पुलिस इनकाउंटर हो जाए तो एक स्टोरी ये भी आ रही है अब मैं उसी तरफ आ जाता हूँ ये कहते हैं जी कि जो उनकी बीवी का बयान है कि एक राशिदमीन बट हैं आ, जो डीएसपी हैं सीआईए के और मोहम्मद अली भट्ट हैं ये भी बड़े तगड़े डीएसपी हैं सी के बड़े अच्छे काम हैं इनके राशिद अमीन भट्ट साहब के खिलाफ आबिद बाससर ने कुछ मुकदमा भी दर्ज किए हुए हैं और तीसरे इसमें जो इंस्पेक्टर का नाम लिया जा रहा है वो माजिद बशीर इंस्पेक्टर है अब नाजरीन आपको याद होगा कि माजिद बशीर साहब हैं ये अदाकारा नरगिस के मौजूदा खान है और अदाकारा नरगिस का स्कैंडल भी आपको याद होगा जो मुबैना तौर पर था और उसमें ये था कि आबिद बाक्सर ने अदाकारा नरगस के बाल मुंडे थे और उसके भूएं साफ़ कर दी थी और उससे बदतमीजी की थी उसकी वजूहत जो भी हैं लेकिन अब इस दफ़ा इस रेड में राशिद अमीन साहब भी शामिल थे और माजिद बशीर साहब भी शामिल थे जिनकी जाति दोनों की दुश्मनी है शायद अपनी जाति दुश्मनी का भी बदला ले रहे हैं लेकिन नाजरीन अब ये मैंने आपको सारी स्टोरी सुना दी लेकिन यहां मुझे समझ एक बात की नहीं आती कि एक मुकदमा आप तेरह को दर्ज करते हो दस दस का वक़ूह है तेरह दस को मुकदमा दर्ज कर रहे हैं उसमें पिछला एक महीने पहले वाला वाक़ आपने शामिल कर लिया फिर जो आप एफ़ आई आर दर्ज कर रहे हो इतनी भुबम और फजूल एफ आई आर है कि लाहौर पुलिस को मैं मैं बड़ा काबिल समझता था और हूँ जाहिर है लाहौर लाहौर पुलिस है तो ये नाजरीन ऐसी एफ आई आर पढ़ने के बाद क्या बंदा को यकीन करेगा कि आपने इंसानी हमदर्दी की बिना पर एक मुलजिम को जाने दिया जो आप पे फायरिंग कर रहा है कमाल पुलिस है भाई फायरिंग के बाद फायरिंग का जवाब भी नहीं दिया जाता और फिर जिस तरह आपने उसको फरार करा दिया तो कोई इसको मानने के तैयार नहीं है अब नाजरीन जो ख़बरें हैं वो ये है कि आबिद बाक्सर इन्हीं के कब्जे में है इन्हीं के हिरासत में है और हो सकता है हो सकता है मैं कह सकता हूँ कि जो खबरें हैं वो ये हैं कि इसका भी इनकाउंटर कर दिया जाएगा रात तक एक खबर ये भी थी मेरे पास कि कुछ लोग जो हैं सियासतदान इसमें उन्होंने इंटरफेरेंस की है कि इसका पुलिस इनकाउंटर ना किया जाए बल्कि आई जी साहब ने भी इस अमल को ग़लत करार दिया है हो सकता है मैं ग़लत हूँ और वो सारा डाल रहे हैं सी आई ए पर डाल रहे हैं कि जो कुछ किया है सी आई ए ने किया है इवन जो सी पी ओ सी सी पी ओ साहब हैं बिलाल सदीक कमियाना वो भी इस बात के ख़िलाफ़ हैं खबरें हैं जो डिफरेंट कॉर्नर से सहाफ़ियों से या कुछ पुलिस अफसरान से मेरे पास आ रही हैं इनके बारे में मैं तस्दीक नहीं कर सकता नाजरीन आबिद बाक्सर अच्छा है आबिद बाक्सर बुरा है लेकिन ये एक आ, अलार्मिंग पोजीशन है उन पुलिस अफसरान के लिए जो इन आ, अपने अफसरान के कहने पे पुलिस इनकाउंटर्स करते हैं उनमें शायद मैं भी शामिल हूँ कि आप इनके कहने पे ऐसी हरकत कर जाते हैं जिसका बाद में ना आप यहाँ जवाब दे सकते हैं ना अल्लाह को जवाब दे सकेंगे अगर आप जस्टिफाइड करते हैं कि जी वो बंदा वाकई मखलूक ख़ुदा के लिए अजाब है उसने रेप किया उसने डकेतियाँ की, वो आप करते हैं और सबको पता होता है कि वो हमेशा अपनी पुलिस की फायरिंग से मारा जाता है और ये किस्सा भी आप ये देख लें कि अशायद आबिद साहब ने शुरू किया कि अपनी पुलिस की फायरिंग से मारा गया जब लाहौर में कुछ होता है तो पूरे पंजाब और पाकिस्तान में आप देखें सिंध में इस तरह के इनकाउंटर्स नहीं हैं के पी में इस तरह के इनकाउंटर्स नहीं हैं बलोचिस्तान में इस तरह के इनकाउंटर्स नहीं है क्योंकि उन्हें पता है वो ट्राइब्स हैं सिंध में के पी में आपके यहाँ ट्राइब्स हैं और वो फिर बदला लेते हैं लेकिन यहाँ बदला लेने वाली बात तो नहीं है ना जो कंटूटा मिल गया जिसका पीछे कोई नहीं है उसको आप उड़ा दें और जो तगड़ा है आप उसका कुछ नहीं कर सकते तो अब देखें आबिद बाक्सर के साथ असाद आंदा आने वाले दिनों में क्या होता है मकाफतमल भी इसे कह सकते हैं कि आबिद बाक्सर साहब ने जो किया उसकी उनको सज़ा मिल रही है जिस तरह उनके घर पे रेड हुआ वो भी किसी के घरों पे इस तरह रेड करते होंगे और उनकी जिस तरह मिसेज कर रही हैं वो भी होगा लेकिन मैं समझता हूं कि हर चीज़ की जो वो इंतहा बुरी है आप मत करें स्टीम पे मत जाएं जो भी करना है आप आ, सोच समझ के करें इस मुलाजमत में और आज के जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं जो बड़े आराम से किए जा रहे हैं और लाहौर में ख़ास तौर पर सी आई ए सी आई ए की मैं बात करूँगा कि कल को ये आबद बॉक्सर आप भी हो सकते हैं वक्त गुजरने का पता नहीं चलता आपने रिटायर भी होना है और आपने जो जो काम किए हुए हैं उनका आपको यहाँ इसी दुनिया में उसका करना पड़ेगा देना पड़ेगा आपको ये और बात है कि जी आपके आप तगड़े हैं और आप, आपकी ड्यूल नेशनैलिटी है और आप चले जाएँ मुल्क से बाहर तो फिर और है लेकिन मुल्क से बाहर भी अरशद शरीफ का देख लें वो गए थे लेकिन वहाँ भी नहीं बच सके तो आबिद बाक्सर के बारे में जो मेरे पास डिटेल थी मैंने आपको बता दी अब जो फर्दर होगा उसको आप अंदाज़ा हो जाएगा क्योंकि आबिद बाक्सर अभी भी मेरी इतला के मुताबिक लाहौर पुलिस के पास है लाहौर सी आई ए पुलिस के पास है उसकी हिरासत में है अब उसे अदालत में पेश किया जाता है या फिर उसे अल्लाह की अदालत में भेजा जाता है जो इनका काम है जी आने वाला वक्त ही बताएगा बहुत बहुत शुक्रिया जी